Hey everyone, this is Vashro and welcome to the new video. जैसा कि हमने decide किया था कि अभी इस month complete हर एक दिन 6 बजे एक video आएगी, so ये एक और video आज के लिए. And आज के इस video में हम बात करने वाले हैं कि sponsorship किस तरीके से लेना है और मैं YouTube के लिए स्पॉन्सरशिप कैसे लेता हूँ जबकि मेरे सिर्फ 2000 फॉलोअर्स है. बट स्टिल उससे पहले भी जब मेरे 1500 फॉलोअर्स है तब भी मैं स्पॉन्सरशिप ले रहा था और किस तरीके से ले रहा था एंड किस तरीके से आप लोग ले सकते हो स्पॉन्सरशिप, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है जस्ट स्टार्ट किए हुए पेज को या स्टार्ट किए हुए चैनल को भी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे. बहुत जनरल टॉपिक होगा ये. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो इस वीडियो के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से मैं पर्सनली लेता हूँ. देखो मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगा कि मैं यूट्यूब चैनल के बेस पे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ. मैं स्पॉन्सरशिप लेता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल के बेस पे क्योंकि वहाँ पे मेरी अच्छी खासी फॉलोइंग है. अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो. वहाँ मैं रेगुलर बेसिस पे जो है कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ. सो जितने भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर वो सब मिलते हैं मुझे इंस्टाग्राम से एंड इंस्टाग्राम के थ्रू. एंड मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब स्पॉन्सरशिप उन लोगों को मिलता है जिनके पास ऑडियंस है, ठीक है. मेरे पास ऑडियंस इंस्टाग्राम के ऊपर है. ओके, जब भी मैं पिच करता हूँ किसी ब्रांड को तो उनको मैं अपने वेरियस चैनल्स के बारे में बताता हूँ जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पॉडकास्ट, उसके अलावा यूट्यूब चैनल, इन सारी जगहों पे जो है मैं उनके स्पॉन्सर्स करने के लिए उनसे बात करता हूँ. अब ऐसा होता है कि सिर्फ आप अगर आप एक चैनल बताओगे तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन आप उनको अगर मल्टीपल चैनल्स बताओगे कि हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपको प्रमोट कर सकता हूँ तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो आपको स्टार्ट, जब भी आप स्टार्ट करो किसी एक चैनल से स्टार्ट करो, किसी भी एक प्लेटफॉर्म, किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे अपने एक प्रेजेंस को बिल्ड करो. आप जितना अच्छा प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो फॉलोअर्स के बेस पे नहीं, वहाँ पे बात होती है एंगेजमेंट के बेस पे. तो आप जितना अच्छा एंगेजमेंट ला सकते हो अपने कॉन्टेंट पर, अगर आपके 5000 फॉलोअर्स भी है बट आपके पोस्ट के ऊपर 1000, 2000, 3000 तक लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे खासे, तो आपको स्पॉन्सरशिप ईजिली जो है वो मिल सकती है. तो उसी के लिए आपको सिंपल किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ अपने प्रेजेंस को बिल्ड करो एंड देन आप देखोगे कि जैसे जैसे आपके प्रेजेंस वहाँ पे बिल्ड हो रही है आप दूसरे चैनल से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपने प्रेजेंस को अच्छे खासे तरीके से बिल्ड कर सकते हो. बिकॉज आप जो अपने ट्रैफिक को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जान लो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आती है जब भी आप ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करते हो दूसरे चैनल से किसी और चैनल के ऊपर, तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती है. सब के सब लोग जो है ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ लोग नहीं होते हैं. सो उस पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं, आपको सिंपल एक किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है काम करना है, उस पर अपने आप को ग्रो करना है. उसके बाद क्या होगा, जब भी आप किसी ब्रांड को पिच करते हो तो वहाँ पे आप उनको आप सारे अपने मल्टीपल चैनल्स को बारे में बताओ. एंड आप लोग कहते हैं कि पिच किस तरीके से करो. सी, पिच करने का बहुत सिंपल सा फंडा है. आप किसी भी हैशटैग्स पे जा सकते हो या किसी भी, अगर मैं बात करूँ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऐसे ब्रांड को सर्च करो जिन्होंने जैसे स्टार्ट किया है अभी एंड वो देख रहे हैं अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं. आप अपने जैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी सर्च कर सकते हो कि अगर वो किसी को प्रमोट कर रहे हो तो आप उस ब्रांड को पिच करो. फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंटली मैंने एडोरिक को जो है प्रमोट किया था, तो आप भी एडोरिक को पिच कर सकते हो एंड वहाँ पर जाके देखोगे कि आप अगर आपकी और मेरी थोड़ी बहुत भी सिमिलैरिटी है, थोड़े बहुत नीश के अंदर सिमिलैरिटी है तो वो ब्रांड आपके साथ भी कोलैब करने के लिए तैयार हो जाएगी. तो आपको यही चीज़ करनी है, आपको देखना है कि आपके आसपास के जो क्रिएटर्स हैं वो किस ब्रांड को जो है प्रमोट कर रहे हैं एंड देन आप उस ब्रांड को जो है प्रमोट कर सकते हो, उस ब्रांड को जो है पिच कर सकते हो एंड चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज वो ब्रांड जो है उस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रही है तो डेफिनेटली वो आपके साथ भी काम कर सकती है. तो ये सिंपल सा फंडा है कि आपको ब्रांड्स को किस तरीके से पिच करना है. सिंपल एक नेटवर्क देखते हैं एंड नेटवर्क देखो, आप सर्च करो लोगों को एंड देखो कि वो किसको पिच कर रहे हैं, वो किसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको पिच करो. सिंपल सी बात है एंड इस तरीके से आप जो है आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो यूट्यूब के लिए भी, इंस्टाग्राम के लिए भी, लिंक्डइन के लिए भी. स्पॉन्सरशिप देते टाइम ब्रांड्स क्या सोचते हैं कि अगर वो आपको पे करिए तो वो चाहते हैं कि आप अपने मल्टीपल चैनल्स पर उस चीज़ को प्रमोट करो, तो आप उस तरीके से भी जो है वो काम करना पसंद करते हैं. तो अगर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है तो मैं उनको यूट्यूब के बारे में बताता हूँ कि यूट्यूब पे मेरे 2000 फॉलोअर्स है तो मैं आपको वहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ. वहाँ के लिए मैं $50 थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा एंड ब्रांड्स वहाँ पर एग्री कर जाती है. तो आपको भी इसी तरीके से जो है काम करना है.
सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किस तरीके से मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्पॉन्सरशिप लेता हूँ एंड आप किस तरीके से ले सकते हो, किस तरीके से ब्रांड्स को रिसर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहाँ पे ही आपको उसका रिप्लाई दे के ट्राई करूँगा कि वहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर, मुझे टैग करना वहाँ पे स्टोरी रिशेयर के लिए। एंड थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।